हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज होने वाला है एक प्रोडक्टिव लाइफ इन अ डे काइंड ऑफ अ वीडियो। तो मैंने सोचा है कि लाइक 2024 का पहला वीक तो बहुत ही आलस में निकल चुका है, तो सेकंड वीक से आई एम स्टार्टिंग टू डू ऑल ऑफ दैट जो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं 2024 में करूंगी। तो आज ही मैं दो वीडियो साइमल्टेनियसली शूट कर रही हूँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट मैं लिंक कर दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज ये वीडियो किचन में इसलिए स्टार्ट हो रहा है बिकॉज आई हैव प्लान टू मेक टू मील्स टूडे। अभी मैंने सोचा है कि डिफरेंट रेसिपीज जैसे मैं पहले ट्राई करती थी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग दैट अगेन। सो अभी मैं किचन में हूँ टू मेक ब्रेकफास्ट। पर ऐसा होता है जब मैं कुकिंग करती हूँ तो हमें ब्रेकफास्ट ब्रंच के टाइम पे और लंच इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे मिलता है। ऑल्सो मैंने अभी इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आज मैं खाना बनाने वाली हूँ, तो आप लोग चाहते हो कि मैं उसको वीडियो शूट करूँ या नहीं, तो एवरीबडी सेड येस। तो आई वॉज लाइक लेट्स। तो फिर पैनकेक्स मैंने जब भी बनाए हैं खुद ही बना के खाए हैं, लाइक मैंने कभी ऐसे मार्केट में कैफेज वगैरह में पैनकेक्स ट्राई नहीं किए हैं, ना ही मैंने आज से पहले कभी कोई पैनकेक मिक्स से पैनकेक बनाया है। हमेशा मैंने स्क्रैच से ही बनाया है। मुझे मतलब देखना था कि क्या मतलब एक्चुअली पैनकेक्स को टेस्ट करना रहता है, और ताकि मैं एक रेफरेंस ले पाऊं कि जो मैं बनाती हूँ वो एक्चुअली पैनकेक्स होते हैं कि नहीं, क्योंकि वो यम्मी तो होते हैं बट यू नो जो ऑथेंटिक चीज होती है वो थोड़ी अलग ही होती है। तो फिर मैंने इस वाले मिक्स के बारे में बहुत सुना था, बेटी क्रॉकर्स का पैनकेक मिक्स, अपेरेंटली दिस इज यमी एंड इसमें सिर्फ पानी हम लोग को डालना होता है एंड ऑल्सो दिस इज वेजिटेरियन। तो इस साल मैंने सोचा है कि मैं कुकिंग थोड़ा ज्यादा करूंगी बिकॉज इफ यू गाइज डोंट नो, आजकल हम लोग वेजिटेरियन हो चुके हैं, नॉनवेज सब से छोड़ा हुआ है, तब से खाने के लाले भर चुके हैं, नहीं समझ में आता कि क्या खाए, एंड आई लव टू हैव लाइक गुड फूड। सो आई एम ट्राइंग टू कुक समथिंग वेजिटेरियन एंड देखते हैं कि क्या क्या पसंद आता है हमको। तो दिस वन वॉज वेजिटेरियन, इसमें एग नहीं है। सो इसकी बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आई जस्ट हैव टू पोर हाफ ऑफ दिस एंड देन मिक्स इन सम वॉटर एंड दिस विल बी डन। तो अभी हम ब्रंच के लिए पैनकेक्स बना रहे हैं एंड पहले मैंने सोचा था कि नॉर्मल पैनकेक्स ही बनाएंगे, बट देन आई सॉ न्यूटेला। आई डू नॉट रिमेम्बर कि मैंने लास्ट टाइम न्यूटेला कब खाया था एंड आई लव इट, बट पता नहीं उसके बाद क्यों ऐसे लेके नहीं आया, एंड दिस इज अ फ्रेश बॉटल जो मैं कल ही लेके आई हुई हूँ एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। तो हम लोग बनाने वाले हैं न्यूटेला पैनकेक्स एंड आई होप दे टर्न आउट गुड, क्योंकि अभी सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ है एंड ऑल्सो आई एम कटिंग आउट ऑन कॉफी, तो मैंने अभी सुबह से कॉफी भी नहीं पी हुई है। सो आई नीड समथिंग इन माई सिस्टम टू गेट दैट एनर्जी, बट क्योंकि आई हैव न्यूटेला तो थोड़ा सा तो टेस्ट करना बनता है। सो दिस हैज ऑल द हाइप फॉर ऑल द गुड रीजंस, बट नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ये है हमारा पैनकेक मिक्स, इससे अपेरेंटली आप क्रेप्स और वॉफल्स भी बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं कुकिंग। ओके, सो टू स्टार्ट ऑफ मैं ये वेइंग स्केल ले रही हूँ क्योंकि इसमें है कि हाफ पैकेट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले आई विल वे दिस पैकेट, ये है 514 ग्राम्स, तो आई हैव टू टेक ऑलमोस्ट लाइक 250-ish इन माई मिक्सिंग बोल। तो अभी मैं इसमें 250 ग्राम्स ये पैनकेक मिक्स डालने वाली हूँ। One eternity later. So it is 259 ग्राम्स, 9 ग्राम ज़्यादा हो गया, but anyways, इसमें I have to add 2 1/5 cup of water. तो अभी मैं वो डाल लेती हूँ। तो मैंने अपना बड़ा वाला कप ढूंढा नहीं, मुझे वो मिल नहीं रहा था, तो ये वाला मेरे पे है, 1/4 का मेजरमेंट है, तो 2 कप मतलब मैं इससे 8 टाइम्स डालूंगी, 4 5 6 7 8, दिस इज 2 कप्स एंड देन मुझे 1/5 कप डालना है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम फिल करके आई विल एड एंड नाउ आई एम गोइंग टू मिक्स इट और रादर विस्किट। मेरे पास वो इलेक्ट्रिक वाला भी है बट देन ये थोड़ा सा ही बैच है, तो आई एम गोना जस्ट डू इट विद माय हैंड। आप लोग मुझे तब तक कमेंट्स में बताओ कि इफ यू गाइज लाइक पैनकेक्स और नॉट। आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा लिक्विड ही हो गया है,
अगर ऐसा हुआ तो आई विल एड थोड़ा सा बैटर मोर, बट पहले मैं इसको बना के देखूंगी। मैंने एक साथ ही जितना पानी लिखा था उतना डाल दिया, मुझे थोड़ा धीरे धीरे करना चाहिए था, बट इट लुक्स नॉट बैड, लाइक दिस इज द कंसिस्टेंसी ऑफ माई बैटर। तो चलो इनको पकाते हैं। एज आई फियर्ड मेरा बैटर एक्चुअली थोड़ा सा रनी हो गया था, एंड मैंने थोड़ा और ऐड नहीं किया उसमें, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि कौन कितना खाएगा, एंड आई ऑनेस्टली डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट इट। तो बस रनी होने की वजह से ना वो शेप नहीं अपना होल्ड कर पाया, लाइक प्रॉपर राउंड नहीं बना, वो ऐसे फैल जा रहा था पूरा। बट द टेस्ट इज यम, यस आई टेस्टेड इट ऑलरेडी, एंड दीज आर ऑल द स्क्रैप पीसेस, बट इट इज सो गुड। एंड एकदम ऐसा हो रहा है जैसे मैं बनाती हूँ, सो ऑब्वियसली अ लिटिल मोर सॉफ्टर, बट बहुत यम, एकदम फ्लफी एंड टेस्टी है। सो यस, नाउ आई नो कि हाँ जो मैं बनाती थी उसका भी टेस्ट एटलीस्ट ऐसा था। इट इज सो गुड, मैं इसको ऐसे भी खा सकती हूँ बिना न्यूटेला के, इट इज सो गुड। एंड अभी मेरा प्लान ये है कि एटलीस्ट आई नीड टू मेक वन स्टैक लुक प्रिटी, तो मैंने ऐसे कटोरे से इस पे वो करके आई हैव मेड लाइक परफेक्ट राउंड स्क्वायर्स, एंड नाउ इसमें मैं न्यूटेला लगाने वाली हूँ, एंड देन आई एम गोना स्टैक इट। एंड इट इज रेडी। लो सबसे पहले आप टेस्ट करके बताओ, फिर ठंडा हो जाएगा सब, फिर मैं और बनाती हूँ ना तब तक। आप तो बिल्कुल बर्थडे केक की तरह काटने लगी हो। मम्मी ऐसे मत करो, बताओ कैसे हो रहा है। बहुत गंदा, मत खाओ फिर। क्यों खा रही हो मम्मी, ऐसे मत करो, अब सही बताओ। मैं नहीं कर रही आपकी तरफ कैमरा, बताओ कैसा हो रहा है। अच्छा हो रहा। पक्का? और चाय पी के तो बढ़िया। चाय जैसी हो रही है। अप्रूवल। अब मैं अपने लिए भी बैच बना लेती हूँ, एंड देन आई एम गोना हैव ब्रेकफास्ट। उसके बाद मुझे शूट भी करना है आज, तो आई विल सी यू गाइस वंस माय ब्रेकफास्ट इज डन। तो द परफेक्शनिस्ट इन मी वाजंट हैप्पी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और बैटर डाला, एंड दिस इज हाउ पैनकेक्स आर सपोज्ड टू लुक लाइक। एंड यस, अभी मैं एक स्टैक बनाऊंगी विथ परफेक्ट राउंड पैनकेक्स। मैंने थोड़ा सा अपना बैटर थिक किया, एंड देन इट इज होल्डिंग अप द शेप नाउ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एक परफेक्ट स्टैक ऑफ पैनकेक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, एंड फाइनली हियर वी हैव आवर परफेक्ट स्टैक ऑफ पैनकेक्स, फ्लफी एंड होल्डिंग देयर शेप। ओके, सो ब्रेकफास्ट इज ऑल डन, एंड अभी मैंने बैठ के अपना डिजिटल डीक्लटर किया, एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग अनदर वीडियो, लाइक अ 2024 रीसेट वीडियो, वो इससे पहले आ चुका होगा। सो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, चेक इट आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो नाउ मुझे अपना प्लानर सेटअप करना है, लाइक फॉर 2024 मैंने अभी तक अपना प्लानर सेटअप नहीं किया है, एंड आप लोग अभी तक तो देख ही चुके होंगे कि मैंने कौन सा प्लानर मंगाया, लाइक मैं उसका वीडियो बहुत पहले डाल चुकी थी। तो आज मेरा प्लान है अपना प्लानर सेटअप करने का फाइनली। 8 दिन हो चुके हैं 2024 को, एंड टुडे आई एम सेटिंग अप माय प्लानर, एंड प्लानर सेटअप उसी वीडियो में जाने वाला है, लाइक द 2024 रीसेट वीडियो। तो अभी मैं फटाफट से अपना वो वाला वीडियो शूट कर लेती हूँ, एंड देन आई विल सी यू वंस आई एम गोना कुक lunch.
सो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन टुडे. ऑल्सो मैंने बालों में तेल लगा रखा था. आई हैव टू वॉश माई हेड या तो आज शाम को या कल सुबह. लेट्स सी. सो आई एम डन शूटिंग द वीडियो. हो गया वो वाला वीडियो. एडिट करना है अभी थोड़ी देर में करूंगी. बट अभी मुझे डांट पड़ने लग गई है दोनों मम्मी से भी भाई से भी कि सुबह पैनकेक्स खिला के अभी तक भूखा मार दिया. सो आई एम गोना गो टू द किचन एंड अभी हम लोग प्रिपेयर करेंगे फॉर पाव भाजी. कम लेट्स गो. मैंने कल सारा कुछ इंग्रेडिएंट्स ला के रख लिए थे बट अभी काफी ज्यादा देर हो गई है. तो सबसे पहले आई एम गोना स्टार्ट विद चॉपिंग अप ऑल द वेजिटेबल्स एंड अभी फटाफट फटाफट बनाना पड़ेगा. सो आई एम गोना टॉक लेस वर्क मोर. फटाफट सारी सब्जियां सीटी लगाने के लिए कुकर में रख दी हैं. आई एम लाइक सुपर फास्ट टुडे फॉर सम रीजन एंड ऑल्सो बिकॉज पाव भाजी बनानी मुझे आती है. सो नॉट दैट आई हैव टू यू नो फॉलो एनी रेसिपी और सो. तो हाँ अभी मैं फटाफट से अपना प्याज टमाटर ये सब कुछ चॉप करके रेडी कर लेती हूँ ताकि जैसी मेरी सब्जी बॉयल हो जाए मोशी मोशी होने तक उसको बॉयल करना है एंड उसके बाद मैं तड़का लगा के भाजी बना दूंगी एंड देन हम पाव सेक देंगे. सो अभी आई एम कटिंग माई अनियंस एंड टोमेटोज. कल मैं नया चॉपर ले गई थी. पहले चॉपिंग यूज टू सच अ हेडेक. अभी तो इतने सारे गैजेट्स आ चुके हैं काफी इजी हो गए. पहले मेरे पास वो ऐसे ऐसे हैंड वाला चॉपर था. यस्टरडे ओनली वी गॉट दिस. आई डोंट नो इसमें इतने सारे पिसेंगे कि नहीं बट लेट्स सी. आई थिंक दो बैच में करते हैं. कैसा लगा बताओ. पहले हाय बोलो. आज आप सुबह से वीडियो में नहीं आई. हाय बोलो. A few moments later. हाय. कैसा लगा? थोड़ा थोड़ा अच्छा थोड़ा थोड़ा. क्या गंदा लगा आपको? नमक कम हो गया था. अच्छा. और तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही बस अच्छा लगा? अच्छा लगा बढ़िया लगा. इससे आपने क्या सीख लिया आज की वीडियो से? क्या आपको घर में अच्छा खाना बनाना चाहिए? मैं अच्छा ही बनाती हूँ तभी तू सीखी है. मैं खुद सीखी हूँ तो आपको पैनकेक और पाव भाजी में से ज्यादा अच्छा क्या लगा? दोनों अच्छे थे. ज्यादा अच्छा? दोनों अच्छे थे. सो यस अभी हो चुका है लंच एंड मैंने शूट नहीं कर पाई बिकॉज उन दोनों को सर्व करने के बाद मेरे को थोड़ा सा लेट हो गया था ना. वो सुपर हंग्री तो मैंने बस खा लिया. इट वॉज यम्मी. बस इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो जल्दी जल्दी करने में थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो गई. जैसे मैंने अपनी रेसिपी में सोचा हुआ था कि मैं शिमला मिर्च ऐड करूँगी बिकॉज आई लव शिमला मिर्च का फ्लेवर. ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं आती थी बट आई हैव ग्रेजुअली स्टार्टेड लविंग इट. सो यस वो मैं भूल गई डालना और मैं कस्तूरी मेथी या कसूरी मेथी जो भी बोलते हैं वो भी डालना भूल गई. एंड अभी मैं कहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ? अभी मैं रेडी हो रही हूँ मॉल जाने के लिए क्योंकि अभी और कोई प्लान था नहीं मेरा. एंड देन अ फ्रेंड पिंग्ड मी कि मिलते हैं. आई वाज लाइक कि ठीक है अभी मेरा सारा काम भी हो गया तो लेट्स मीट अप. तो अभी मैं जा रही हूँ एक फ्रेंड से मिलने के लिए मॉल. And yes, I'm just gonna do a little bit something to my face. बाल तो गंदे ही धोने थे वो धोए नहीं. अब आके तो धोने की हिम्मत नहीं होगी बहुत सर्दी है तो कल धोएंगे. अब मुझे ब्लॉग करके काफ़ी मज़ा आया. It did not feel like I have to do something, you know, for the sake of it. I really, really enjoyed vlogging. तो मैं सोच रही हूँ टू यू नो डू मोर ऑफ इट. एंड एनी वेज मैंने 2024 में सोचा ही हुआ है दैट आई विल ब्लॉग मोर. सो यस मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को कल भी कंटिन्यू करूँ. एंड आई एम गोइंग टू शो यू माई
कर्ली हेयर रूटीन, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था अपने बालों को कर्ली स्टाइल करने का. मैंने काफ़ी दिन से किए नहीं है, सो चलो कल वो करेंगे. सो आई एम गोना जस्ट कंटिन्यू दिस व्लॉग. और आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बताना अगर आप लोगों को ऐसे टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं और व्लॉग्स बनाऊंगी. एंड कुकिंग भी हम लोग करेंगे, बताना आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो को देखने में कि नहीं. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस पीची न्यूड लिपस्टिक एंड देन I'm gonna go. Oh, by the way, this is this some क्या 4-in-1 stack या कुछ ऐसा क्या है. 4-in-1 lip twist by Sugar Pop. इसमें ना चार lipsticks हैं. तो I'm gonna apply this second वाला. Love this. Like the color is also so pretty. और टिकती भी है, बहुत जल्दी भी नहीं हटती, बट ऐसा बहुत ट्रांसफर प्रूफ भी नहीं है, बट कम्फर्टेबल टू वेयर. और मैं हल्का सा इसके ऊपर ये ब्राउन वाली लगा लूँगी. Okay, that's all. I just need to fix my hair first and clean up the room a little bit. जो मैंने mess किया हुआ है, keeping the Harry Potter here so that I remember to start reading it. And I'm gonna throw on this puffer jacket क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है. पता नहीं इतनी ठंड कब कहाँ से आ गई और ये कब ख़त्म होने वाली है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. Hood है तो because I'm not liking my hair today, so I can just throw this on. चलो let's go to the mall now. The next day. या सो आई एम बैक. आज का प्लान बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों से व्लॉग में. आई वाज सपोज्ड टू डू अ हेयर वॉश, टाइम नहीं मिला. एज यू नो आज अचानक से सुबह सुबह प्लान बन गया था टू गो टू कतरन मार्केट. मतलब पता नहीं था कतरन मार्केट का. आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो एक्सपेरिमेंट, ट्राई डूइंग एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो. तो हम लोग वहाँ चले गए थे. फिर वहाँ से हम लोग यू नो वो लेके आए, कपड़े लेके आए, लाइक द खान का कपड़ा. एंड नाउ आई एम गोना आस्क माय मॉम टू स्टिच इट. आई एम नॉट गोना गिव इट टू एनी टेलर, बट यस वो आप लोग आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वाली वीडियो में देखना. मोस्ट प्रोबेबली इससे पहले जा चुकी होगी, वरना इसके बाद आएगी. मोस्ट प्रोबेबली पहले जा चुकी होगी तो वो देख लो. बट टुडे वॉज अ सुपर सुपर टायरिंग डे. कल मेरा ऑफिस है. आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द ब्लॉग, इसलिए मैं ब्लॉग अभी ख़त्म करने से पहले आई थॉट टू डू माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन विद यू गाइज. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. अभी मैंने डबल क्लेंजिंग कर ली है एंड अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एम कैफीन का नायसिनमाइड 5% कॉफी टोनर सीरम एंड अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस. दिस फील सो हाइड्रेटिंग. आजकल मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो जा रही है विंटर्स की वजह से. ऊपर से आज पूरे दिन बाहर थे. आई डोंट नो बट पिछले एक दो हफ्ते से मेरा वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया. सो माई स्किन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ड्राई. तो मैं अभी ये हाइलोरॉनिक सीरम यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ फ्रॉम डॉक्टर शेड्स. दिस इज़ द हल्दी एंड हाइलोरॉनिक सीरम. ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर माई चिप नेल्स बिकॉज अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है फॉर द सेल्फ केयर सेशन. तो उसके लिए मैं एक अलग से दिन डेडिकेट करूँगी एंड आई माइट शूट इट एज वेल, जैसे मैंने पिछले साल किया था बर्थडे ग्लो अप काइंड ऑफ. नाउ दैट इज डन. मैं बहुत सिंपल अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आजकल कर चुकी हूँ बिकॉज सर्दी में आई जस्ट कांट टेक रिस्क विद माई स्किन बैरियर. सो दिस इज़ द वेदिक्स का अनुधा ग्लो रिस्टोर मॉइस्चराइजिंग फेस लोशन. तो ये बहुत आयुर्वेदिक टाइप से, इसको मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था बीच में ऐसे ही, मतलब मैं भूल गई थी. एंड देन आई रीस्टार्टेड इट एंड इट इज़ सो गुड. लाइक लुक एट द ग्लो इट गिव्स. उसकी बस स्मेल ना थोड़ी कड़वे नीम की लकड़ी जैसी है. सो दैट इज़ जस्ट समथिंग यू शुड यू नो टेक केयर ऑफ. बट अदर देन दैट दिस मॉइस्चराइजर इज रियली गुड. लाइक इवन इफ यू आर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन यू विल लव इट. ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा आई थिंक मॉइस्चर ये कम हो जाएगा बट इट इज़ सो लाइट वेट. अभी तुरंत अब्जॉर्ब हो जाता है मेरी स्किन में. आई लव दिस मॉइस्चराइजर. अभी मैं दोबारा यूज़ करने लगी एंड आई रियलाइज हाउ गुड दिस वन इज़. थोड़ा आई थिंक एक्सपेंसिव है, नहीं 600 का आता है ये
40 ml. It lasts you long and also it is medicated Ayurvedic kind of thing. So acne वगैरह के लिए भी काफी अच्छा है. So yeah, it is doing good for my skin. So lately I am loving this moisturizer. मैं शायद इसका refill मंगाऊंगी and अभी मैं Dot & K का lip balm लगा रही हूँ. Done. I think the lighting sucks in my room right now, but ठीक है. This was just a relaxing night skincare routine and this is a toner. ये आई थिंक बायोक्यूल का सूदिंग वाला टोनर है जो मैंने मिस्ट बॉटल में डाला हुआ है. अभी मैं ये पूरे फेस पे डाल के सारा स्किन केयर लॉक कर लूंगी. लाइक दिस इज एन एडिशनल स्टेप जो मैं आजकल कर रही हूँ बिकॉज नो अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन इज इनफ दिस सीजन. लुक एट द ग्लो, लविंग इट. नाउ दैट आई एम अ ग्लेज्ड डोनट एज हेली बीबर सेज, I'm gonna sleep now. Very tired. मेरा बिस्तर रेडी है, जा रही हूँ सोने. आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा. तो यस, मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि कैसा लगा आज का वीडियो. ऐसे रैंडम ब्लॉग्स आपको पसंद आते हैं कि नहीं मुझे बताना ताकि मैं और करूँ. दिस कोल्ड इज किलिंग मी लिटरली. एंड यस, कुकिंग वीडियोज, ये वाला ब्लॉग, जो भी आपके ओपिनियन है नीचे मुझे बताना. तो मैं कॉमेंट्स के बेसिस पे ऐसे ब्लॉग्स और करूँगी या नहीं करूँगी, लेट्स सी. सो यस, I will end this video right here itself. अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. I will see you super super soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.